समस्त दानव जानते हैं हमारा परम शत्रु कौन है। वो देव लोक का प्रधान धूर्त कपटी इंद्र, जनजात बैरी है हम असुरों का। वो पामर कायर इंद्र दानवेंद्र धनु के वंश का विनाशी नहीं, बल्कि सारे दानव दल को, पूरी असुर जाति को ब्रह्मा की सृष्टि से मिटा डालने का कुचक्र सदा रचता रहता है। परंतु अब हम वेद गर्भ ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर अमर अविनाशी अपराजित बन गए हैं। याद है असुर वीरो, आप सबके संकल्प हमारे संकल्प के साथ एकाकार है। हाँ हाँ, आपका संकल्प हमारा संकल्प है। हाँ हाँ दानवेश्वर, जब तक देवेंद्र को धूल दूषित कर हम देवलोक पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी विजय यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हाँ वीरो, समस्त देव सेना को पराजित करना, इंद्र को उसके अपराधों के लिए मृत्यु दंड देना और देव लोक पर दैत्यों का वर्चस्व स्थापित करना ही हमारा एकमात्र ध्येय है। असुर वीरो, देवासुर संग्राम में विजय श्री ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। वीर सेनानियों, अब हमारे दानवेश्वर महिषासुर की विजय यात्रा त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर अखिल ब्रह्मांड को कंपायमान कर देगी। त्रिलोक विजयी महिषासुर की जय। अश्वाधिपति महिषासुर की जय। चलो सबका मिल करके दिव्य रूप ले हुआ प्रचंड, हुआ महाविस्फोट भयंकर, डोल उठा सारा भूखंड। दिव्य रूप माँ जगदम्बा का प्रकट हुआ सुंदर साकार, हाथ जोड़ कर कुछ रूप मनोहर ज्योतिर्मय माँ का अभिराम, अष्टादश भुज रूप मनोहर ज्योतिर्मय माँ का अभिराम। वरदा भव भंजन भय हारिन, जगन मात है तुम्हें प्रणाम, जगन मात है तुम्हें प्रणाम, जगन मात है तुम्हें प्रणाम। संदेह को जन्म देते हैं असुरराज। आचार्य शुक्र तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, उनका संदेह आज समस्त असुर संनारियों का संदेह बन गया है। हे असुरेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके इस वृद्ध महामात्य का यह अधिकार है कि वो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान की समीक्षा करें। असुरराज, अक्षर अक्षर ये बताने की कृपा करें कि हमारे महाराज को ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया था। श्रीमान, मैं आपके साथ ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का पुनरावलोकन करना चाहता हूं। बस यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। ठीक है, यदि आप ब्रह्मा जी के वरदान की व्याख्या करके अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ओम ब्रह्मणे नमः। ओ
नमः, ओम ब्रह्मणे 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 नमः। हे महिषासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। तब पूत महिष, ओम ब्रह्मणे नमः। समाधि त्यागो वत्स। हे आदिदेव ब्रह्मा जी, आपके चरणों में महिषासुर का कोटि कोटि नमन। कल्याण मस्तु हे महिष, हम तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अनुसार मनोवांछित वरदान देने हेतु प्रकट हुए हैं। मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। मेरे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख ऐश्वर्य वैभव विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है। अक्षय आयु अर्थात अमृत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। हे महेश, जन्म मरण आदि और अंत का चक्र सृष्टि का अटल विधान है। इस अटल विधान से जन्म लेने वाला कोई भी जीव बच नहीं सकता। मात्र जीव ही क्या, प्रत्येक पदार्थ चल अचल जड़ चेतन सबका अंत अवश्य भावी है। फिर एकमात्र तुम इससे कैसे बच सकते हो? वत्स, अमृत के अतिरिक्त तुम कुछ और वरदान मांग लो। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।